वेलकम बैक टू माई नीनूस किचन। तो आज चलिए पोहे से एक बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं जो घर के सामान से ही बनेगा और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल पोहा और अब मैं इसमें एक ही बाउल के पानी इसमें डाल दूँगी, इसको सोक करने रख दूँगी ढक के। तो यहाँ पर हमारा पोहा पूरी तरह से फूल चुका है, ये देखिए तैयार हो चुका है पोहा, बिल्कुल पानी इसने सोख लिया है। तो हमें इतना ही पानी चाहिए था, जैसा कि मैंने बताया था कि एक कटोरी पोहा था तो हमें एक ही कटोरी पानी उसमें डालना है। इधर मैंने इसमें डालने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, जैसा है मैंने बताया कि बहुत कम सामान में बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव में एक आलू को बॉयल कर लिया था और इधर मैंने इस तरह से आलू बॉईल कराया, तो इसलिए माइक्रोवेव में कराया तो इसलिए ये इस तरह का हो रहा है। इधर मैंने यहाँ पे हरा धनिया चॉप कर लिया है, इधर ये हरी मिर्च और ये प्याज, तो इसमें अब ये सब चीज़ें ऐड करूँगी मैं। अब इस तरह से मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस, तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी कलर देने के लिए और डालूंगी मिर्ची। मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार, अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। अब इसी में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मसाला, ये चाट मसाला है, ये मैंने घर में ही रेडी किया है। और इसमें डालूंगी मैं अमचूर पाउडर और डालूंगी गरम मसाला। अब इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और डाल देंगे। इसी में मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए हैं मैंने और इसको भी मैं इसके साथ में मिक्स कर लूँगी। अब इस तरह से हम शेप दे देंगे, शेप हम कोई भी दे सकते हैं, टिक्की का या फिर जैसे कबाब का शेप होता है उस तरह से, इस तरह से कोई भी शेप देके आप इनको बना लीजिएगा। अब कढ़ाई में मैं ऑयल डाल दूंगी और इसमें एक एक करके हम सेकेंगे। अब इस तरह से हम डीप फ्राई करेंगे इसे और बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाएगा नाश्ता। तो इस तरह से देखिए आप कितनी क्रिस्पी सी हमारी पोहे की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं या कटलेट कही है, और बहुत जल्दी बनते हैं और कम सामान में। तो इस तरह से ये हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। तो इस तरह से हमारे पोहे के कटलेट और कितने कम सामान में बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और हरी चटनी के साथ में इनको एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो दे सकूं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की सोचती हूं पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो दूँ। फिर मिलूँगी मैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।